टाइम पे, बल्कि रोज नहीं होती थी अक्सर, मैं क्योंकि टाइमिंग्स की वजह से मैं बाहर होती थी, का फर्क तो बड़ा मसला होता था। तो मुझे कहती थी मैं बात कर लिया करो, तुम तो गायब रहती हो ये वो। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम जल्दी आ जाओ, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। तो मैंने कहा आप तो आराम से बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं, हंस रही हैं, क्या हुआ आपको? कहने की नहीं नहीं बस जल्दी आ जाओ बस। उस जब उन्होंने ये बोला है तो मैं सऊद के पीछे लग गई कि चल जाना है मुझे, जाना है मुझे, जाना है। लेकिन सऊद ने कहा क्यों जा रहा? मैंने कहा बस मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे जाना है। तो सऊद ने कहा अभी 6 दिन के बाद तो फ्लाइट है हमारी। मैंने कहा कल करा लें, परसों करा लें। सऊद ने कहा नहीं इस तरह नहीं हो सकता, जाएंगे हम जब। तो जब मैं ह्यूस्टन के लिए निकल रही थी तो उसी वक्त मुझे पता चला कि दादी की डेथ हो गई। तो बस ये जो एक खला कहें, एक गिल्ट कहें, एक पछतावा कहें आप, ये जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो नहीं, वो उनके सामने उस वक्त नहीं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं क्या क्या उन्होंने सोचा होगा, कितना उन्होंने मुझे याद किया होगा। और मतलब मैं उनसे अभी तक माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ की कि वो मुझे माफ़ कर दे कि उस वक्त मैं उनके साथ नहीं थी। मुश्किल बात है। और कोई अपना इस तरह से, और दादी बच्चे और सो लकी जो कि आपको इतना वक्त मिला अपनी दादी के साथ स्पेंड करने का? नहीं मिला, शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं मिला। मैं तो सबसे कहती हूँ, जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं और जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो, 10,000 काम हो, आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं हो, लेकिन अपने उन करीबी रिश्तों से जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ आपने बहुत टाइम गुजारा है, वक्त निकाल के उनसे ज़रूर मिले, चाहे दिन में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, दो दो तीन तीन महीने के लिए गायब ना हो जाएं। वरना ज़िंदगी में ऐसे पछतावे होते हैं कि जिनको आप अपनी जान दे के भी, जिनको आप उस पछतावे का वो नहीं कर सकते। ये इतनी अपने माँ बाप हैं भाई, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को भी टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल, जबकि एक ही घर में रहते हैं। हमें लगता है हम आप जानते देते ना, हमें लगता है कि ये तो है। हाँ, अपना काम कर लूँ मैं, अपनी मीटिंग कर लूँ मैं, अपने बच्चे को देख लूँ मैं, ये कर लूँ, उसमें एक दिन पता चलता है कि ये मैंने क्या कर दिया था।